हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है जो सीबीटी सेकंड होने वाला है एलपीओ टेक्नीशियन का, उसका जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है उसकी बुक में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, किससे पढ़े किससे ना पढ़े। ठीक फ्रेंड्स, और कट ऑफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम है लोगों को। मैं बता दूं कि जो मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी, जो जो कैंडिडेट्स एलपी के लिए एलिजिबल हैं उनका 70% मार्क्स जो आपका ए पार्ट रहेगा सीबीटी सेकंड का, और 30% साइको टेस्ट है ना, उन दोनों कंबाइंड करके 100% में से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जो लोग टेक्नीशियन है उन लोगों का साइको टेस्ट है नहीं, तो पार्ट ए ही उनके लिए रहेगा 100%। देन जो सी बी टी सेकेंड का जो बी पार्ट है वो क्वालिफाइंग नहीं चाह रहे, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, भले आप लोग फर्स्ट ए पार्ट में फुल मार्क्स गेन कर ले, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रेड टेस्ट के लिए बुक्स बता देता हूँ, है ना, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो डीजल मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक में आप जानते हैं कि जो एग्ज़ाम लेवल है, जो एलपी का एग्ज़ाम है, आपने जानते हैं कि एक बीटेक, एमटेक, देन पॉलिटेक्निक और आईटीआई के स्टूडेंट्स ने भरा है। बट जो पेपर जो लोग सेट करेंगे, तो एक आईटीआई को बच्चे को कंसिडर को इसको इनको कंसिडर करके पेपर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आईटीआई वाला बंदा भी दे रहा है, इंजीनियरिंग वाला बंदा भी दे रहा है, तो उतना डीप में जाएगा नहीं, हुआ ना, तो आईटीआई के जो बंदा है उसी के अकॉर्डिंग पेपर आना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आईटीआई वालों की जो बुक्स हैं वो आप लेके पढ़ सकते हैं, उनका रेफरेंस ले सकते हैं, है ना। तो उतना तो टाइम है नहीं, क्योंकि अभी ऑफिशियली अनाउंस हुआ नहीं है सीबीटी सेकंड का कुछ, मे बी शायद डी ग्रुप का, जो डी ग्रुप के बाद आप लोगों का आ जाए मेंस के लिए। तो ये डीजल मैकेनिक की हैंडबुक एक आती है ना, हैंडबुक आती है, उसमें क्या रहता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि आपका जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, है ना, इंजन वगैरह दिया हुआ है ना, उसके बाद आपका सेफ्टी वाले टॉपिक्स हैं, उनके जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं या जो रिसेंटली उनके एग्जामों में आ चुके हैं, आए हुए हैं, वो सब हैंडबुक में दिया हुआ है। तो अगर आप उनके ऑब्जेक्टिव ही पढ़ के जा रहे हैं, तो 75 में से आपको मे बी 26 लाना है शायद, है ना, पासिंग मार्क्स है इतना, तो आप उसमें कम से कम 40 मार्क्स तो इवन गेन कर सकते हैं। तो आप हैंडबुक खरीद सकते हैं डीजल मैकेनिक वाले, है ना। इट डजेंट मैटर कि कौन सा राइटर है, बस आप हैंडबुक खरीद लीजिए। अगर आपको ये राइटर की मिल रही है तो इसकी खरीद ले, कोई भी राइटर की मिले तो आप हैंडबुक खरीद लीजिए, या तो आप उस स्टेशनरी पर जाके आप इतना बोल दें कि आईटीआई की ऑब्जेक्टिव वाली जो रेफ़र करते हैं अपने, ये आईटीआई के बच्चे जो लोग रेफ़र करते हैं बुक्स को, तो ऑब्जेक्टिव वाली बुक ले लीजिए, है ना, उसको हैंडबुक बोलते हैं। तो डीजल मैकेनिक वाले से पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, हैंडबुक ले आए आप लोग कोई सी भी राइटर की, है ना। नेक्स्ट बुक देखते हैं, यही आप लोगों को जो फिटर है वो लोग भी अपनी हैंडबुक खरीद लें, है ना, जिनके पास टाइम नहीं है कि ज़्यादा हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि कई एग्ज़ाम है अभी सर पर हैं ना, कई लोग जैसे जो लोग सीडीएस दे रहे होंगे, जिनका आरपीएफ है, जिनका डी ग्रुप है, अब आप लोग बताइए, आप डी ग्रुप का भी पढ़ेंगे इसका भी पढ़ेंगे, तो यार इतना टाइम है आप लोगों के पास। कई लोग बोलते हैं सर 4 महीने हैं, अभी ऑफिशियली कुछ अनाउंस हुआ है कि 4 महीने बाद पेपर होगा, चलो अगर मान भी लें हम, वैसे तो 4 महीने बाद पेपर नहीं जल्दी होगा, अगर आपके पास 1 और 2 महीना भी दे दिया तो आप लोग क्या टेक्निकल पढ़ पाओगे। अभी आपके पास डी ग्रुप है, आपकी है रेलवे की और एग्ज़ाम है, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई है, यूपीएससी की सीडीएस है, तो आप लोग उसको इग्नोर करेंगे, है ना, तो स्मार्ट स्टडी करिए, है ना, जबरन डिटेल में मत जाइए इतना, है ना, इतना पेपर टफ नहीं रहेगा, जिस दिन पेपर देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा, तो जबरन आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, आप कहीं गेट का पेपर नहीं दे रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई कोई डीप में पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब में, आपको जब आप पेपर देने बैठेंगे आपको पता चल जाएगा कि डीप में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, पेपर आईटीआई के अकॉर्डिंग सेट होना है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये फीडर के लिए अच्छी बुक है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो जिनका 12th में पीसीएम वाले बच्चे हैं, वही पूछ रहे हैं सर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या करें, उनकी उनका पेपर भी जो है वो आईटीआई के अकॉर्डिंग आना है, क्योंकि आईटीआई वाला बच्चा जो है वो 10th के बाद आईटीआई में मेजरली एडमिशन लेते हैं, तो वो लोग इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम लोग 11th 12th में फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो वो लोग आईटीआई में पढ़ते हैं, तो उनकी आप हैंडबुक खरीद सकते हैं, है ना। स्टेशनरी पर जाइए और बोल दीजिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं आईटीआई में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, वाली बुक दीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैंडबुक आप इसको परचेस कर सकते हैं, इवन आप लोग ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, अगर स्टेशनरी में अवेलेबल नहीं है, कई लोग छोटे छोटे शहर से हैं उनको नहीं मिल पाता है, तो वो लोग ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं ना। वेल्डर जो है हैंडबुक उसकी भी अवेलेबल हो जाएगी, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, हैंडबुक उसकी आप ले लीजिए। उसके बाद ये रेफ्रिजरेशन वाला जो है मैकेनिक्स, कई लोगों को डाउट है इसके लिए, हम सर क्या पढ़ें, डीप में पढ़ना है क्या, हमने ये डाला हुआ है क्या, यही आएगा, जो आपने ट्रेड चूज़ करा है उसी के आपको 70 क्वेश्चंस मिलने हैं, है ना। आप आईटीआई की बुक देखिए, अगर उसमें भी डाउट है, डीजीटी जो सिलेबस डाल के रखा हुआ है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनना है, तो आप हैंडबुक खरीद लीजिए, हैंडबुक उसी के अकॉर्डिंग बनती है आईटीआई के अकॉर्डिंग, और आपका जो पेपर है उसी के अकॉर्डिंग सेट होगा फ्रेंड्स, है ना। रेफ्रिजरेशन के बाद आप वायरमैन का भी कई लोगों ने चुना हुआ है, तो ये भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हैंडबुक्स हैं सब। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अपन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के अपने टॉपिक्स काफ़ी डल गए हैं, मैं भी डालता रहूँगा, और फिर जो आपके ट्रेड टेस्ट हैं डीजल मैकेनिक वगैरह, इंजन वगैरह, जो भी इसमें टॉपिक्स है ना, जितने भी इसमें पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सबका वीडियो मैं बनाऊँगा, डालूँगा,
उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोगों का डी ग्रुप का आपने देख लिया है 17 तारीख से, तो जिन लोगों का पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और ट्रेड टेस्ट जिन लोगों का है वो लोग हैंडबुक खरीद लें। ऑब्जेक्टिव टाइप कोशिश करिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पढ़ने में आए, क्योंकि अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको 1 या 2 साल लग जाएगा फ्रेंड्स। डिटेल में बहुत सारे टॉपिक हैं और समझिए 70 क्वेश्चन बनना है, तो एक टॉपिक अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि उसको इतने टॉपिक्स कवर करना है, 70 क्वेश्चंस देगा, 70 to 75 जितने भी आपके ट्रेड टेस्ट में आएंगे, तो क्या वो डीप में जाएगा? बेसिक ना पूछेगा वो, तो आप डीप में इतना मत जाइए। हैंडबुक खरीदिए, उसमें जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है बस उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उससे तो डेफिनेटली उससे निकल जाएगा फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि 26 मार्क्स तो आपको लाना ही है ना, उस क्वालिफाइंग नेचर का हो, तो जबरन आप इसमें ज़्यादा ध्यान दें, इससे अच्छा जो मेरिट डिसाइडिंग है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपना बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग हो गया, उसकी मैथ्स हो गई ठीक है फ्रेंड्स। ज़्यादा ट्रेड टेट का टेंशन ना लें, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा ठीक है फ्रेंड्स। अगर कुछ हमसे गलती हो जाए तो हमें क्षमा करना। जय हिंद।